Hello friends, this is Arun Kumar Singh and in this video we are going to talk about Super Brain Yoga. Yes, aapne sahi suna, Super Brain Yoga. Ye yoga aapke brain ki capacity ko manifold badha dega. This technique is going to enhance your memory. Sabhi log apni memory badhana chahte hain. सभी लोग चाहते हैं कि मेरा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन हायर लेवल पे हो. सभी लोग चाहते हैं कि मेरी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाए, एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, दस गुना. आई एम सेइंग दिस टेक्निक इज गोइंग टू इंक्रीज इट 100 टाइम्स इवन एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग. जो चीजें पहले समझने में दिक्कत होती थी वो आप आसानी से समझ सकते हैं एंड it is going to impact the overall functioning of your nervous system. ये पूरे nervous system को enhance कर देगा. And friends, this technique is very very easy technique. ये हमारे प्राचीन समय से, पुराने समय से हमारा ये चलता आ रहा है, जिसको हम आसानी से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पुराने समय के लोग उठक बैठक. यस फ्रेंड, आपने सही सुना, उठक बैठक. ये उठक बैठक अमेरिका वालों ने, अमेरिकन कंट्री ने अपनी वो उन्होंने इसका पेटेंट करा लिया है. हम इंडियन इसे फॉलो करते थे और ये अमेरिका वालों ने इन्हें पेटेंट बना लिया है. लेकिन पेटेंट उनके पास होगा, अप्लाई हम करेंगे. दिस इज इवन एप्लीकेबल इन ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, दिस टेक्निक इज वेरी सिंपल. नाउ आई एम डेमोंस्ट्रेटिंग द टेक्निक. नाउ यू कैन सी दिस इज माय लेफ्ट हैंड. सो लेफ्ट हैंड यू जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस एंड दिस इज माय राइट हैंड. जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस क्रॉस. ये हाथ क्रॉस हो जाना चाहिए. लेफ्ट शुड बी बिलो, ये नीचे की तरफ होगा, राइट ऊपर की तरफ. जस्ट आपको अपने ईयर लोब्स को, या आप देख सकते हैं, आपको ईयर लोब्स को टच करने हैं. जस्ट टच इट एंड यू सिट हाफ चेयर की तरह. जैसे हाफ चेयर की तरह हमें बैठना है एंड उठ जाना है, सो दैट यू गिव पावर. ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम रिचार्ज हो जाएगा. एंड डू इट फॉर 14 टाइम्स. You would do it for 14 times. And east facing. आपका जो face होगा east facing होगा. आपको अपने face को east की तरफ रखना है. Start with 14 and increase in this 40, 28 like that. 42 and 56. अगर आपने 56 करना शुरू कर दिया and बेसिक प्रिकॉशन यू हैव टू टेक, यू हैव टू बी एम्प्टी स्टमक. तो आप ये काम सुबह या शाम कर सकते हैं. सुबह में फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू टॉयलेट एंड आफ्टर एम्प्टीइंग योर स्टमक यू कैन डू इट. इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, तभी आप करें. अगर आपका पेट किसी कारण से खाली नहीं हुआ हो, डोंट डू दिस. अगर पेट खाली हो तभी करें. सुबह में भी आप एक बार कर सकते हैं, शाम में भी एक बार कर सकते हैं. एज पर साइंस, अगर आपने 4 घंटे से 6 घंटे कुछ नहीं खाया है, आपका स्टमक खाली है. इन इवनिंग टाइम ऑल्सो यू कैन डू. अगर आप दिन में किसी कारण से भूल जाते हैं या आपको समय नहीं मिलता है, यू कैन डू इट इन इवनिंग टाइम. अगर दोनों समय करते हैं, सुबह और शाम, इट इज मिराकुलस. इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ मिराकुलस रिजल्ट. आपको ये मिराकुलस रिजल्ट देगा. It is going to enhance the capacity of a student. ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है. छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं. जिन्हें भी मेमोरी का इशू है, अंडरस्टैंडिंग का इशू है, कॉन्सेंट्रेशन का इशू है. एंड नाउडेज ये इशूज बहुतों के साथ आ चुका है. बहुत लोगों को आप कहते सुनिएगा, मैं आजकल भूलने लगा हूं. आप भूलने लगे हैं, स्टार्ट डूइंग सुपर ब्रेन योगा.
आपका कॉन्सेंट्रेशन कम है, स्टार्ट डूइंग दिस. आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत होती है, स्टार्ट डूइंग दिस. आप चाहते हैं कि हमारा ब्रेन सेल एनहांस हो, स्टार्ट डूइंग दिस. सो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में और भी टूल्स एंड टेक्निक मैं शेयर करता रहूंगा. टिल देन, गुड बाय. थैंक यू वेरी मच.